तो वेलकम बैक दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। एंड जनरली आप लोग देखते हो कि रेगुलर मैं टेक वीडियोस बनाता हूं, लेकिन आज मैं बोया BY M1 का माइक रिव्यू करने वाला हूं। आप में से काफ़ी सारे लोगों के पास यह माइक होगा क्योंकि काफ़ी सस्ता है। एंड मैं अब बताने वाला हूं कि इसका जो वॉइस रिकॉर्डिंग है वो किस तरह का है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है। तो बॉक्स के अंदर आपको वारंटी कार्ड देखने को मिल जाएगी, साथ में मैनुअल भी आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक एडेप्टर भी आपको देखने को मिलता है एंड बैटरी भी देखने को मिलती है, जो मोस्टली आपने क्लॉक में देखा होगा ऐसी बैटरी लगते हुए, सेम बैटरी इसमें मिलती है। एंड साथ में एक पाउच भी देखने को मिलता है। तो अभी मैं यह जो वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो दरअसल BY M1 का माइक से रिकॉर्ड हो रहा है। एंड यह जो माइक है वो एक लेवेरियर कंडेंसर माइक्रोफोन है। तो जो नेक्स्ट क्लिप है उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह यह वॉइस को रिकॉर्ड करता है, साथ में कितना सराउंडिंग नॉइज को भी यह रिकॉर्ड करता है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। साथ में अगर वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर से लाइक कर दो, एंड जो लोग भी नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो फिलहाल आप जो वॉइस आप सुन रहे हो वो विदाउट माइक मैं यूज कर रहा हूँ। एंड आप देख सकते हो कि कुछ इस तरह का कॉलर माइक आपको देखने को मिल रहा है, एंड इसे आप कॉलर पर ऐसे फिक्स कर सकते हो। साथ में मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात कर लूं तो जो केबल है वो काफी अच्छा केबल है, आसानी से आप देख सकते हो उतना ज्यादा यह बेंड नहीं हो रहा है। साथ में मैं इसके बिल्ड की बात कर लूं तो यह जो है यह एक मेटल है, एंड साथ में इसमें आपको दो बटन देखने को मिलते हैं, एक कैमरा और दूसरा स्मार्टफोन, यानी कैमरा के ऊपर करोगे तो डायरेक्ट कैमरा से आप माइक को लगाकर रिकॉर्ड कर सकते हो, एंड दूसरा स्मार्टफोन के थ्रू। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि वायर का जो लेंथ है वो तकरीबन 5 से 6 मीटर का है। मैं आपको ये तो नहीं दिखा सकता हूं कि कितना बड़ा है, लेकिन आप मेरे हाथ में देख सकते हो कि कितना ज्यादा वायर आपको देखने को मिल रहा है, एक तारों का गुच्छा ही है। तो ओवरऑल मैं बात कर लूं इस माइक्रोफोन की तो पिछले 6 मंथ से मैं इसे यूज कर रहा हूं, एंड काफी अच्छा माइक है मेरे हिसाब से। एंड आपने काफी सारे रिव्यू यूट्यूब पर ऑलरेडी देखे होंगे, जो भी बिगनर्स होते हैं वो ज्यादातर बोया BY M1 का ही यूज करते हैं, एंड मैं भी फिलहाल अभी यही यूज कर रहा हूँ। साथ में इसका जो प्राइस है वो तकरीबन 700 से 800 के बीच में आपको अमेजन पर देखने को मिलता रहता है। एंड इनफैक्ट मैं दो वीडियो क्लिप भी आपको दिखाऊंगा कि माइक्रोफोन के थ्रू किस तरह का वॉइस आपको सुनने में आ रहा है, एंड दूसरा जो मैं ऑडियो सुनाऊंगा वो विदाउट माइक्रोफोन होने वाला है, तो आप कंपैरिजन आसानी से चेक भी कर सकते हो। साथ में मैं सराउंडिंग नॉइज की बात कर लूं तो जब आप इस माइक से रिकॉर्ड करते हो तो अगर इंटरनल रूम में आप अगर वॉइस रिकॉर्ड करते हो तो काफी अच्छी तरीके से यह वर्क करता है, एंड आप आसपास के खिड़कियों को बंद कर दो उसके बाद बहुत कम ही नॉइज को यह रिकॉर्ड करता है। लेकिन अगर आप आउटडोर में शूट करते हो तो थोड़ा सा नॉइज आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो मैं ज्यादातर आपको बोलना चाहूंगा कि रूम के अंदर ही इस माइक के थ्रू आप अपना वीडियो रिकॉर्ड करो। तो अब ये जो आप क्लिप देख रहे हो वह बोया BY M1 से रिकॉर्ड हो रहा है, एंड आप बताना कि किस तरह का वॉइस यह रिकॉर्ड कर रहा है एंड कितना नॉइज आपको देखने को मिल रहा है, ये भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसके बाद जो दूसरी क्लिप मैं आपको दिखाऊंगा वो बोया BY M1 को हटाकर या तो कैमरा नहीं तो मोबाइल से शूट करने वाला हूं, एंड उसमें किस तरह का ऑडियो आपको देखने को मिलता है ये भी आप जरूर उनको चेक करके बताना। तो अभी आप जो ऑडियो सुन रहे हो वो डायरेक्ट मोबाइल फोन का जो इंटरनल माइक है उसके थ्रू रिकॉर्ड हो रहा है, तो उसका ऑडियो अभी मैं कोई भी नॉइज रिडक्शन नहीं किया हूं, आप क्लियरली सुन सकते हो। एंड आप जरूर बताना कि ऑडियो आपको कैसा लग रहा है, एंड इन कंपेरिजन जो बोया BY M1 का ऑडियो है वो इससे काफी ज्यादा डिफरेंस है कि नहीं, ये भी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो ये थी दोस्तों एक छोटी सी रिव्यू बोया BY M1 माइक्रोफोन का, यह हमारा पहला रिव्यू वीडियो था। तो आप बताना कि किस तरह का वीडियो बना है, एंड साथ में पसंद आए तो जरूर से लाइक करके जाना। तो इस प्राइस रेंज में आपके लिए यह बेस्ट माइक है, साथ में उसका जो परचेज लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसके थ्रू जरूर जाके बाय कर सकते हो। इसका जो प्राइस है वो 705 के आसपास अभी आपको देखने को मिलने वाला है, तो इसका जो प्राइस है वो लगभग 700 से 800 के बीच में ही रहता है। एंड ओवरऑल मैं बता दूं कि यह काफी अच्छा माइक है,
बिल्ड के हिसाब से भी एंड वॉइस रिकॉर्डिंग के हिसाब से भी, साथ में इसका जो वायर है वो भी काफी अच्छी क्वालिटी का है, तो आप जरूर से इसे कंसीडर कर सकते हो। एंड वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें इस तरह के दो सेल आपको देखने को मिलेंगे। एक तो इसमें आप आसानी से लगा पाओ, इसको मैं इस तरह से खोलता हूं तो इसके अंदर ही वह बैटरी देखने को मिलता है। देखिए इस तरह यहां पर आप इसे फिक्स कर दोगे, फिर आसानी से आप 6 महीने से लेकर 1 साल तक तो आसानी से यूज कर ही पाओगे, उसके बाद आप फिर यह सेल को यूज कर सकते हो। तो पाउच के अंदर आसानी से आपको 2 बैटरी भी देखने को मिल जाती है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।